इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 10 अगस्त के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। साल के 8वें महीने का 10वां दिन कई छोटी बड़ी घटनाओं के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज के दिन बच्चों का चहेता आभासी चरित्र स्पाइडरमैन पहली बार कॉमिक बुक में नजर आया था। इसे बच्चों ने इतना पसंद किया कि बाद में ये कार्टून और फिर फिल्मों के पर्दे पर भी नजर आया। गरीबों और मजलूमों का मसीहा स्पाइडरमैन लंबे वक्त तक दुनिया भर में बच्चों का पसंदीदा चरित्र रहा। देश दुनिया के इतिहास में 10 अगस्त की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज ही के दिन वर्ष 1500 में पुर्तगाली समुद्र जहाज के कैप्टन डियागो डियाज मैडागास्कर को देखने वाले पहले यूरोपीय बने थे। 1664 में आज ही के दिन ओटोमन साम्राज्य और ऑस्ट्रिया ने शांति के लिए वसवार की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन 1675 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स ने ग्रीनविच वेदशाला की आधारशिला रखी थी। 1678 में आज ही के दिन हॉलैंड और फ्रांस के बीच निजमगेन शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज ही के दिन 1793 में पेरिस में लूब्र संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। 200 वर्ष पुराने पश्चिमी कला का इतिहास इस संग्रहालय में दर्ज है। इसमें मोनालिसा भी शामिल है। 1846 में आज ही के दिन अमेरिकी कांग्रेस ने स्मिथ सोनिया इंस्टीट्यूट स्थापित करने के विधेयक को मंजूरी दी थी। भारत के प्रख्यात संगीतकार विष्णु नारायण भारत खंडे का जन्म आज ही के दिन 1860 में हुआ था। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का जन्म आज ही के दिन 1894 में हुआ था। आज ही के दिन 1920 में प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद उस्मानी शासन ने सूरेस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1926 में आज ही के दिन इटली और स्पेन के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज ही के दिन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद कोरिया का उत्तरी भाग रूस की लाल सेना के अधिकार में चला गया था। 1962 में आज ही के दिन बच्चों का चहेता स्पाइडरमैन कॉमिक बुक अमेजिंग फैंटेसी में नजर आया था। चंबल के बिहड़ों से सियासी गलियारों तक पहुंचने वाली फूलन देवी का जन्म आज ही के दिन 1963 में हुआ था। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद का निधन आज ही के दिन 1977 में हुआ था। आज ही के दिन 1977 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तरी आयरलैंड की यात्रा की थी। भारत की पहली महिला संगीतकार सरस्वती देवी का निधन आज ही के दिन 1980 में हुआ था। आज ही के दिन 1990 में 15 महीने की यात्रा के बाद मगैलन अंतरिक्षयान शुक्र पर पहुंचा था। शुक्र पर उतरने से पहले कुछ देर के लिए उसका संपर्क कैलिफोर्निया स्थित संचालन केंद्र से टूट गया था। प्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार हरिशंकर परसाई का निधन आज ही के दिन 1995 में हुआ था। पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय संस्कृत विद्वान आचार्य बलदेव उपाध्याय का निधन आज ही के दिन 1999 में हुआ था। आज ही के दिन 2003 में इंग्लैंड में अब तक का सबसे अधिक तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 2010 में आज ही के दिन भारत ने उपग्रह स्थित तंत्र आधारित विमान प्रचालन तंत्र गगन का सफल परीक्षण किया था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।